दोस्तों हॉलीवुड फिल्में अपनी जबरदस्त कहानी और बड़े बजट के लिए जानी जाती हैं। इन फिल्मों में एक्शन होता है, सस्पेंस होता है, तो वहीं ये फिल्में डर का एहसास भी कराती हैं। आज हॉलीवुड फिल्में विदेशों में ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी काफी ज्यादा देखी और पसंद की जाने लगी है। अगर आप भी हॉरर और सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही फिल्म जिसमें वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते हैं। तो दोस्तों उस फिल्म का नाम है द सैंड। द सैंड यानी बालू रेत। यह फिल्म वैसे तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इस फिल्म को देखने पर आपको इसकी पूरी कहानी समझ आ जाएगी। यह फिल्म शुरू होती है एक बीच पर, जहां कुछ कपल्स पार्टी करने जाते हैं और पार्टी करते करते उनमें से 3 कपल्स को मिलाकर कुल 8 लोग रात को वहीं सो जाते हैं। इनमें से एक कपल्स कंटेनर में होता है तो वहीं 2 कपल्स कार में होते हैं, बाकी एक लड़की रेत पर बिछी टेबल पर और एक व्यक्ति ड्रम में ही आधा घुसकर सो जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तो शुरू होता है उनकी मौत का सिलसिला। जैसे ही टेबल पर लेटी लड़की सुबह उठती है और रेत पर पैर रखती है तो वह धीरे धीरे रेत में धंसने लगती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पहले तो सभी लोग समझते हैं कि वह मजाक कर रही है, लेकिन वह रेत में धंसती ही चली जाती है, जिसे बचाने के लिए कार से एक लड़का कूदकर आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह 2-3 कदम बढ़ाता है वह भी रेत से चिपक कर रह जाता है और उसकी दर्दनाक मौत होती है। खैर इसके बाद वे सब लोग समझ चुके होते हैं कि इस रेत में कोई भूतिया शक्ति है जो उन्हें मार रही है, और इसी डर से वे लोग कार में ही कई घंटे गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ उनके पास खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगती हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे तो भूख प्यास से ही मर जाएंगे, और वे लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एक कर इनमें से 6 लोग मारे जाते हैं और अंत में बचती हैं तो सिर्फ 2 लड़कियाँ। तो दोस्तों अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए बहुत ही रोमांचक होगी। यकीनन आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए, लेकिन आपको बता दें यह फिल्म सिर्फ 18+ लोगों के लिए ही है, क्योंकि इस फिल्म की शुरुआत में जबरदस्त न्यूड सीन्स भी दिखाए गए हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म को एज रेस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन फिर भी कोई युवा इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस फिल्म को आप शुरुआत के लगभग 10 मिनट स्किप कर दें। इसके बाद इस फिल्म में कोई बोल्ड सीन नजर नहीं आएगा, नजर आएगा तो सिर्फ सस्पेंस और डर। दोस्तों अगर आप यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ऑफलाइन 1110 नाम के चैनल पर यह फिल्म उपलब्ध है। आप इस चैनल पर विजिट कर इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।